आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस चक्कर सा आ गया शायद कोई। भूल गए, आप दफ्तर क्यों गए थे इस हालत में? आपको नहीं जाना चाहिए था। बेटा तफरी करने कौन जाता है, काम है, काम पे तो जाना ही पड़ता है। जी अबू, लेकिन अब मैं हूँ ना, मैं जिम्मेदारी संभाल लूंगा। आप दो तीन दिन दफ्तर मत जाइए, आराम कीजिए। नहीं मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, मैं अभी कुछ आराम करूंगा, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तो फिर भी कुछ खाना पीना सही नहीं रखा हुआ शायद आपने। आए मैं आपको अंदर तक छोड़ आता हूँ। चला जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। खाना लगा दूं? अब आप अब्बू का भी ख्याल नहीं रख सकती हैं क्या? जब आपको नजर आ रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें दफ्तर क्यों जाने दिया? उनके खाने पीने का ख्याल रखिए। और हुआ क्या है? कल तक तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। घर में कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ। खाना खाएंगे, आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आओ तुम भी आ जाओ। खोलो आंखें। चंदा कैसा लगा अपना नया घर? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ, खुली आंखों से ख्वाब। अभी आंख खुलेगी और कोई जगा देगा मुझे। आप हकीकत में किस तरह बदलते हैं ये कोई तुमसे सीखे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, तुमने मुझे अपनाया, अपना हम सफर बनाया। काश अजन्नी मुझे इस तरह देखती, देखती कि इस घर में मुझे कितनी इज्जत मिली। तब समझ आता उन्हें कि चंदा का फैसला बिल्कुल ठीक था। अगर अफसोस है मुझे, कभी समझ ही नहीं पाई मुझे, हमेशा हर मोड़ पर मुझे गलती समझा उन्हें। पता नहीं चंदा, उनको ऐसा लगता था जैसे मैं और मेरे घर वाले तुम्हारे लिए गलत हैं। उन्होंने मेरे पेरेंट्स का बहुत दिल दुखाया और तुमने देखा ना कि मेरी मोहब्बत के खातिर मामा ने, बाबा ने तुम्हें कैसा शानदार इस्तकबाल दिया, दिल से कबूल किया। बहुत शर्मिंदा हूँ उन लोगों की तरफ से, मैं माफी मांग रही हूँ। चंदा क्या हो गया, क्या कर रही हो तुम? तुम देखना जब अब्बू को पता चलेगा ना कि मुझे सबने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं इस घर में आ गई हूँ, वो खुद आएंगे माफी मांगने और अम्मी भी माफी मांगेंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। कोई मसला, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं रहेगा हमारी जिंदगी में। एक्चुअली चंदा, मैंने अपने बाबा से एक वादा किया। कैसा वादा? कि इस घर में आने के बाद तुम अपने अम्मी अबू के घर नहीं जा सकती, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रख सकती,
अब बस सिर्फ यही तुम्हारा घर है। ठीक है, नहीं रखूंगी कोई ताल्लुक। तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लेकिन कभी कभार अप्पू से तो अब किसी से नहीं। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, बस मैं तुम और हमारा ये घर। नज़ारेज़ा हुआ दिल था खाना बदोश, कब से घर मिला एक तकदीर है, एक तुम हो वजह, एक तुम हो वजह।